हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रोश। और दुनिया के 25वें सबसे अमीर आदमी अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा पिछले 2 महीने से मिसिंग है। जैक मा ने चाइना के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट बैंक्स को अक्टूबर में शंघाई की एक स्पीच में शार्पली क्रिटिसाइज किया था, जिसके बाद उनका चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था और इसके बाद से वो पिछले 2 महीने से गायब है। अभी यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि चाइना ने उनको डिटेन कर दिया है, लेकिन अभी इसकी कोई कन्फर्म न्यूज नहीं है। तो बात करते हैं इसी के बारे में डिटेल में, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है कि उनको डिटेन किया गया होगा। चाइनीज गवर्नमेंट और इनकी कंपनी और इनके बीच काफी बार कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं और फाइनली इस बार ये मिसिंग हो चुके हैं। सबको इसके बारे में काफी टेंशन है क्योंकि इससे पहले भी ये काफी बार हो चुका है काफी बिलियनर्स के साथ। तो बात करते हैं डिटेल में क्या कुछ हुआ है, बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग अलीबाबा ग्रुप के ओनर जैक मा दुनिया के 25वें सबसे अमीर आदमी हैं और इनकी टोटल वेल्थ 50.6 अरब डॉलर है। और अलीबाबा ग्रुप चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। चाइना में बिजनेसमैन की इकोनॉमी पर चाइनीज गवर्नमेंट नजर रखती है, उनका एक कंट्रोल होता है। तो जैक मा चाहते थे कि ऐसा ना हो, उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की कि सिस्टम में ऐसे चेंजेस लाए जाए कि बिजनेस में नई चीजें स्टार्ट करने की कोशिशों को ना दबाया जाए। उन्होंने बैंकिंग रूल्स को एल्डर्स क्लब करार दिया था और इस स्पीच के बाद चीन की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी भड़क गई। जैक मा के क्रिटिसिज्म को कम्युनिस्ट पार्टी ने हमले के रूप में ले लिया और उसके बाद नवंबर 2020 में चाइनीज ऑफिसर्स ने जैक को जोरदार झटका देते हुए उनके एंड ग्रुप के 37 डॉलर के आईपीओ को सस्पेंड कर दिया था। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह ऑर्डर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की ओर से आया था। उसके बाद जैक से कहा गया कि वो तब तक चीन से बाहर न जाएं जब तक उनके अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को पूरा नहीं कर लिया जाता। इस मामले के बाद जैक टीवी शो अफ्रीकन बिजनेस हीरोज से नवंबर में फाइनल से ठीक पहले एक मिस्टीरियस तरीके से मिसिंग हो जाते हैं। अफ्रीकन बिजनेस हीरोज इनके द्वारा चलाया गया एक टीवी प्रोग्राम है जिसमें वो टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स को रिक्रूट करते हैं। इस शो में वो खुद एज अ जज जाते हैं और अब इसका फाइनल था तब वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस शो से इनकी तस्वीरें भी हटा दी गई थी। अलीबाबा ग्रुप के स्पीकर ने कहा कि जैक मा शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट के कारण अब जजों के पैनल का हिस्सा नहीं है। हालांकि इस शो के फाइनल से कई हफ्तों पहले ही जैक मा ने ट्वीट करके कहा था कि वो सभी पार्टिसिपेंट से मिलने का वेट नहीं कर सकते। इसके बाद से उनके ट्विटर अकाउंट से कोई पोस्ट नहीं किया गया और इससे पहले वो लगातार ट्वीट करते रहते थे। उन्होंने आखिरी ट्वीट 10 अक्टूबर को किया था। तो पिछले 2 महीनों से ये क्लियर है कि वो ना ही फिजिकली तरीके से कहीं अपीयर रहे हैं और ना ही वर्चुअली सोशल मीडिया पर कहीं उनकी एग्जिस्टेंस हुई है। तो लोग अब शी जिनपिंग से सवाल कर रहे हैं और उनसे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैक मा पहले ऐसे पर्सन नहीं है जिन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ बोला है। इससे पहले भी कई लोगों ने बोला है और वो भी इसी तरीके से गायब हो गए हैं और आज तक फिर वो दोबारा कभी नहीं दिखे। मार्च में एक प्रॉपर्टी बिजनेसमैन रेन जिकियांग भी इसी तरह से गायब हो गए थे। उन्होंने कोरोना वायरस के पैंडेमिक से खराब तरह से निपटने के लिए प्रेसिडेंट शी को जोकर कह डाला था और गायब होने के 6 महीने बाद उन्हें अपनी मर्जी से और सच्चाई के साथ करप्शन के अलग अलग क्राइम कबूल करने पर 18 साल की जेल दे दी गई। साल 2017 में बिलियनर फाइनेंशियर शियान जियान हुआ को हांगकांग के एक होटल से निकालकर चीन लाया गया था। बताया जाता है कि उनकी ऑफिशियल जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन उन्हें 3 साल से ज्यादा के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, चाइना का कोई भी पर्सन अगर चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। ईयर 2019 में कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले वार्न करने वाले डॉक्टर ली वेनलियांग के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया गया था। वेनलियांग ने दिसंबर के महीने में कोरोना वायरस के फैलने की बात डिक्लेयर करी थी और 31 दिसंबर को वी चैट पर उन्होंने चाइना के लोगों को वार्निंग दी कि देश में सार्स जैसा वायरस फैल रहा है। इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में टॉर्चर करना शुरू कर दिया था और बाद में इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। जैक मा दुनिया भर में करोड़ों लोगों के आइडियल हैं और उनके इस तरह से मिसिंग होने पर काफी लोग चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, जैक मा आने वाले दिनों में आते हैं सामने या फिर बाकी लोगों की तरह वो भी हमेशा के लिए मिसिंग हो चुके हैं। बने रहिए आप हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।